नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर सुनकर शहनाज गिल के मुंह से निकला, अब मैं कैसे जीऊंगी, पिता ने किया खुलासा। जी हाँ, बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक हुई मौत से टीवी इंडस्ट्री स्तब्ध रह गई है। सिद्धार्थ शुक्ला ने मॉडलिंग से अपना करियर शुरू कर टीवी के हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया था। बालिका वधु, दिल से दिल तक और बिग बॉस से सिद्धार्थ शुक्ला की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई थी। बिग बॉस के दौरान ही सिद्धार्थ शुक्ला की मुलाकात शहनाज गिल से हुई। शो में इन दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों का ध्यान खींचा और घर से निकलने के बाद ये कई बार एक साथ भी दिखाई दिए। फैंस को इनकी जोड़ी इतनी पसंद आई कि वो इन्हें सिद्धनाज बुलाने लगे। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत शहनाज गिल को बड़ा झटका दे गई है। शहनाज गिल को जैसे ही सिद्धार्थ की मृत्यु की खबर मिली, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। शहनाज अभी तक मीडिया के सामने नहीं आई है, लेकिन उनके पिता ने जानकारी दी कि उनकी बेटी सिद्धार्थ की मौत के बाद शॉक में है। शहनाज के पिता ने बताया, शहनाज का रो रो कर बुरा हाल है। उसने मुझे कहा कि पापा, उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा है, मेरे हाथों में वो इस दुनिया को छोड़कर गया है, अब मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी। शहनाज गिल के पिता संतोष सिंह ने बात करते हुए बीते दिन कहा था, मैंने शहनाज से बात की और वो बहुत परेशान है। मेरा बेटा शहबाज उसका साथ देने के लिए मुंबई निकल चुका है, मैं भी मुंबई के लिए निकलूंगा। मुझे भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु हो गई है, मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा। बता दें, सिद्धार्थ और शहनाज बिग बॉस के दौरान काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, जो दोस्ती बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद भी बनी रही। शहनाज सिद्धार्थ को बहुत पसंद करती थी, जिसका ऐलान वो दिल खोल कर करती थी। आपको बता दें, शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला से शादी करना चाहती थी। इसके लिए शहनाज ने एक खास शख्स से मदद भी मांगी थी। म्यूजिक कंपोजर और बिग बॉस कंटेस्टेंट अबू मलिक ने अपने हालिया इंटरव्यू में ये दावा किया है। अबू मलिक ने कहा कि शहनाज ने उनसे कहा कि वे जाकर सिद्धार्थ को शहनाज से शादी के लिए राजी करें। शहनाज ने अबू को सिद्धार्थ को शादी के लिए राजी करने के लिए कहा था। अबू मलिक ने अपने इंटरव्यू में बताया, शहनाज ने मुझे लॉकडाउन लगने के एक दिन पहले 22 मार्च 2020 को ये बात कही थी। सिद्धार्थ भी शहनाज को बेहद प्यार करता था। वो कहता था कि अगर एक दिन शहनाज नाराज हो जाती थी तो उसका दिन खराब हो जाता था। अब तो सिद्धार्थ के जाने के बाद हमें शहनाज में सिद्धनाज दिखाई देगी।